Everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy. It's an online coaching for CAD, JAD, NMAT, SNAP and IFT. Mock Zone is basically owned by 3D Learning and focuses on mock tests, crash courses, etc. So guys, today's video is only very important for those who plan to appear for TISSNET exam, because I'm going to discuss about the section-wise breakup of topics for all the sections of TISSNET. Okay, काफी लोगों को confusion हो रहा है कि क्या-क्या topics होते हैं. So basically, ये video एक तरह से important topics पे है कि ये topics आपको करने ही करने हैं हर हाल में. बट सिलेबस में जो मैंने वीडियो बनाया है उसको पूरा फॉलो करना है, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है, तो ये देखेंगे हम लोग आज. तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज काफी वीडियोस बन रहे हैं, डेली कंसेंट वीडियोस, बी डे नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो, बी डे स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो. कोई भी वीडियो अगर आप मिस करते हो तो आपका लॉस हो सकता है, बिकॉज टेस्ट के लिए स्पेसिफिकली काफी वीडियोज बनाते हैं. ठीक है, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब लाइक कर दो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो. ठीक है, चलो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. सो कमिंग टू द कॉन्ट्स एंड एलआर, टेस्ट में तीन सेक्शंस होते हैं, मतलब सबको कॉन्ट्स एंड एलआर एक सेक्शन होता है, वर्बल एबिलिटी दूसरा होता है. ठीक है, दोनों में 32 क्वेश्चंस होते हैं, एंड जीके हम लोग का सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग और सबसे ज्यादा गेम चेंजर सेक्शन होता है विद 40 क्वेश्चंस. सो कमिंग टू द क्वांट्स, क्वांट्स में हम लोग अरेंजमेंट्स के यू कैन एक्सपेक्ट 4 क्वेश्चंस. ठीक है, लेवल ज्यादा टफ नहीं होता है गाइस, लेवल इजी होता है टेस्ट का, बट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द बेस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो. जो टेस्ट का लेवल आपको दिखता है उसे थोड़ा सा ऊपर पढ़ के चलोगे, मतलब अगर आप एनमैट स्नैप के क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल टेस्ट में. ठीक है, दो क्वेश्चंस लेवल एनमैट स्नैप से भी कम होता है, बट स्टिल कमिंग टू योर डीआई के 8 क्वेश्चन, दो सेट्स डीआई के मान सकते हो, कभी कभी एक सेट भी आएगा बट आ सकते हैं. अर्थमेटिक डोमिनेटिंग होती है हर एग्जाम में, अर्थमेटिक के 7-8 क्वेश्चन मान सकते हो आराम से. अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, टाइम एंड वर्क हो गया, टीएसडी हो गया, रेशियन प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है, एलिगेशन मिक्सर हो गया, एवरेजेस हो गया. ठीक है, तो इस तरह के टॉपिक्स होते हैं, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब मिला के 7-8 क्वेश्चन. नंबर एंड लेटर सीरीज मिला के अल्फाबेटिकल एंड नंबर एंड लेटर सीरीज है, वो दो क्वेश्चन हो गए, सेट थ्योरी के एक क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी का एक क्वेश्चन, नंबर्स का एक क्वेश्चन, ठीक है, ब्लड रिलेशंस का एक क्वेश्चन, यू कैन एक्सपेक्ट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आ सकता है आराम से. स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ये होता है वर्बल रीजनिंग. ठीक है, मतलब इसमें तुम्हारा क्या क्या होता है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन भी हो सकता है, कोर्स ऑफ एक्शन भी हो सकता है, कॉज एंड इफेक्ट हो सकता है. ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग भी हो सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है इससे, मिनिमम एक क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, डायरेक्शन सेंस से एक क्वेश्चन, सिलोजिज्म एंड अलजेब्रा. तो गाइस, ये कुछ ब्रेकअप टाइप का है, ठीक है, ऐसा देखा गया है, बट मैं फिर बोल रहा हूँ कि सिर्फ सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको सिलेबस पूरा पढ़ना है. एलआर में जितने टॉपिक्स होते हैं सब आपको करने हैं, कोई कुछ भी हो सकता है. तो गाइस, पर लॉकडाउन हुआ है तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, कुछ नहीं कह सकते. ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, काफ़ी बच्चों को देखा मैंने, काफ़ी बच्चे स्मार्टली पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रट रहे हैं जीके वगैरह. ठीक है, तो अच्छे से कर लो, ये टॉपिक जरूर से कर लेना अच्छे से. और स्ट्रैटेजी क्या है इन टॉपिक्स को करने की, हर टॉपिक से कम 50-50 क्वेश्चन लगा के जाओ एग्जाम के पहले, उसके बाद मॉक्स दोगे तो आपके चांसेस अच्छे होने के. ठीक है, बट स्ट्रक्चर्ड स्टडी मैटर करती है, वही लोग नहीं कर पाते हैं, दो दिन पढ़ेंगे फिर नहीं पढ़ेंगे, ये दिक्कत होती है लोगों साथ. ठीक है, कमिंग टू द वर्बल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी में ग्रामर का वीडियो अच्छा है गाइस, 6 क्वेश्चन, आरसी 2 आते हैं, 5-5 क्वेश्चन के. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक नया चीज़ है जो आपको शायद बाकी एग्जाम में कम मिलता है, मेरे यहाँ पे आता है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पीडीएफ अगर आप मिल जाए तो रट लो उसको. ठीक है, एंटोनिम्स एंड एनोनिम्स कॉमन है, 3 क्वेश्चन आएंगे, फिर ब्लैंक्स भी मीनिंग वाले 3 क्वेश्चन आएंगे, देन वी हैव ऑड वन आउट 2 क्वेश्चन, पैराजम्बल्स के 2 क्वेश्चन. ठीक है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस का 1 क्वेश्चन. तो ये मिला के हमारा हो गया टोटल 30 क्वेश्चन. ठीक है, अराउंड 30 क्वेश्चन हमारे इससे आते हैं. ठीक है, 30 क्वेश्चन आते हैं, ये हमारा ब्रेकअप है 30 क्वेश्चन का. कमिंग टू जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होते हैं, ये गाइस बहुत ज़्यादा गेम चेंजर सेक्शन है. ठीक है, इसमें हमारा करंट अफेयर से कम क्वेश्चन आते हैं गाइस, स्ट्रैटेजी के बहुत ज़्यादा आते हैं, करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, बट अच्छे से कर लो, एक साल ही चल जाएगा. बिजनेस एंड इकोनॉमी के 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन, पॉलिटी के 6 क्वेश्चन हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स के 2 क्वेश्चन. ठीक है, देन वी हैव अवार्ड्स एंड बुक्स, ये काफ़ी आते हैं गाइस. देखो यहाँ पे एक चीज़ अगर देखो आप, हिस्ट्री एंड पॉलिटी मिला के 10 क्वेश्चन, मतलब 25% पेपर इज हिस्ट्री एंड पॉलिटी, तो कितना रटना है आपको समझते हो, पॉलिटी को तो चार्ट डालो पूरा. ठीक है, जितना रट सकते हो रट लो, पॉलिटी अच्छे से एक ही जगह से पढ़ो, 10 जगह से पढ़ने से आपको कन्फ्यूजन होगा और कंटेंट गलत नहीं होना चाहिए, मैटर करता है. ठीक है, तो ये हमारा अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, अवार्ड्स एंड बुक्स हो गए 4 क्वेश्चन, प्रोग्राम्स एंड एक्ट 2 क्वेश्चन, सोशल इशूज पे 6 क्वेश्चन आते हैं, एंड बाकी मिसलेनियस 4 क्वेश्चन. ठीक है, तो गाइस ये जनरल अवेयरनेस था, ये ब्रेकअप मैंने बता दिया, आप इसका चाहे इसका स्क्रीन शॉट ले लो सबका. ठीक है, तो गाइस कमिंग टू द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, तो आप अपने आप से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, डिसिप्लिन बना के पढ़ो. ठीक है, वो लोग जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया और सब कुछ करना चाहते हैं अच्छे से, देखें अच्छे कवर टिस्नेट टिस्मैट का कोर्स, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है गाइस. सबसे अच्छी बात है स्ट्रक्चर्ड स्टडी, यहाँ पे हर एक चीज़ का प्रॉपर आपको मटेरियल मिल रहा है, कुछ आपको रिफर नहीं करना बाहर से. ये सारे टॉपिक्स, ये टॉपिक्स तो हैं ही, सारे जितना भी सिलेबस है
सब कुछ कवर है, ये डेडिकेटेड ओनली फॉर टिस्नेट टिस्मैट कोर्स है, ठीक है। यहाँ पे कोई एग्जाम और की बात नहीं होगी, मेनली टिस्नेट की बात होगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे यू गेट पोर्टल वगैरह मिलता है, स्टूडेंट पोर्टल मिलता है, वेबसाइट में सारे वीडियोज, हैंड आउट्स, प्रैक्टिस शीट्स, थ्योरी शीट सबका रहता है। तो इतना ज़्यादा कंटेंट होता है कि आप मतलब आराम से कर सकते हो। इतने ज़्यादा मतलब ये भी नहीं कि सबको दे देंगे आप, कंफ्यूज जाओ, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल रेलिवेंट चीज़ देंगे, मतलब 3 महीने में आप आराम से कर सकते हो। और गाइस ट्रिक जो होती है, जीके तो आप पढ़ो ही, जीके तो आप पढ़ोगे, बट गाइस अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आप 60 में 55 नंबर ला सकते हो। ये भी एक अच्छी ट्रिक है। जीके तो अपने हाथ में नहीं है, जितना रट लो कुछ नहीं कर सकते, इनफिनाइट है जीके, ठीक है। 60 क्वेश्चन जो हमारे हैं उसमें आप 55 तो टारगेट कर सकते हैं ना गाइस, ईजी आते हैं क्वेश्चन। तो हर टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे तो हो ही सकता है 9 नंबर। 55 यहाँ ले आओ, 40 में से गंदे से गंदी हाल में 25 से 27 नंबर भी आ गए, तब भी आपका टेस्ट का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ये एक ट्रिक होती है गाइस, ठीक है, टेस्ट को निकालने की। दो हम लोग जीके में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दो फैकल्टीज सिर्फ जीके के लिए लगी हुई हैं, ठीक है। एक स्ट्रेटी जीके की, करंट अफेयर्स की, ठीक है। पोर्टल में हर चीज़ रहती है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प फॉर्मेट में आपको हैंड आउट्स मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, ठीक है। आप डिटेल्स दे सकते हो, यू कैन पिंग मी डायरेक्टली, नंबर मेरा है, मैं और कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स दे दूंगा हर सेक्शन में क्या क्या है, डेमो वीडियोज़ दे दूंगा आपको देखने के लिए, और मैं एक ऑडियो दूंगा आपको, उससे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि क्या क्या हम कराएंगे, कैसे कैसे कराएंगे, ठीक है। तो गाइस काफ़ी लोग ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, कल और आज में 10-12 लोग कर चुके हैं एनरोल, काफ़ी लोग करने वाले हैं एनरोल। अगर आप वाकई सीरियस हो टेस्ट के लिए और करना चाहते हो, टाइम कभी मैटर नहीं करता गाइस, अगर ढंग से 3 महीने पढ़ोगे आपका गारंटी निकल जाएगा टेस्ट के दौरान में। यहाँ पे आप 2 साल पढ़ोगे तो भी नहीं निकलेगा, बेकार तरह से पढ़ोगे, हमेशा स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चरल स्टडी मैटर करती है, ठीक है। इफ यू आर लुकिंग फॉर टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज देन यू कैन चेक आउट द पैक्स, ठीक है, बॉस करके दे सकते हो। सबसे ज़्यादा लोगों ने मास्टर पैक लिया, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, ठीक है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। एंड मेरा नंबर दिया हुआ है, बता दिया मेरे भाई, यू कैन पिंग मी, नीचे लिंक भी दिया हुआ है नंबर के मेरे, यू कैन डायरेक्टली क्लिक एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट चैटिंग विद मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। मुझे आप व्हाट्सएप में डायरेक्टली पिंग कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप जो नीचे है वो ज्वाइन कर लो जरूर से गाइस, क्योंकि टेस्ट का 5-6 हज़ार ग्रुप हो गया है, और टेस्ट में हम लोग क्वेश्चन डालते रहते हैं, जीके के सेशंस लेते रहते हैं, और बाकी कैट एंड मैट स्नैप भी है। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।